ऑप्टिक्स के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमने राजस्थान का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अभी एक फोटो रिलीज हुई है जिसमें केसी वेणुगोपाल के साथ दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही एक ही फ्रेम में मौजूद थे, लेकिन असली में क्या दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने इनका झगड़ा रिजॉल्व कर दिया है, या ये थोड़ा टेम्पररी जैसे कि कहते हैं ना फोटो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी आ रही है राजस्थान और गुजरात का भी चुनाव अभी सर पे है, तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में इन सब को लेके थोड़ा ताकि भारत जोड़ो यात्रा में कोई रोड ब्लॉक ना आए, केसी वेणुगोपाल ने दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बोला है कि अभी के लिए जरा रुक जाइए, जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगी, लेकिन ये सोल्यूशन भारत जोड़ो यात्रा के बाद होगी। लेकिन ये सोल्यूशन क्या हो सकती है? आफ्टर ऑल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज किया, उन्होंने उनको गद्दार बोला है, अब इस तरह का वर्ड को वो कैसे वापस ले सकते हैं? और इस तरह के वर्ड एक्यूजेशन के बाद, किसी को गद्दार कहने के बाद, क्या अशोक गहलोत के साथ फिर से सचिन पायलट कभी काम कर सकते हैं? और क्या गद्दार कहने के बाद अशोक गहलोत सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर स्वीकार कर सकते हैं? ये वर्ड इतना स्ट्रांग है कि इसके कोई पीछे कदम लेने ले ही नहीं जा सकता है, और अशोक गहलोत ने तो अपने शब्द वापस भी नहीं लिए अभी तक, ना वो लेंगे, वो इतने दिग्गज नेता है, चाहे राहुल गांधी खड़गे कुछ भी करे मुझे नहीं लगता वो अपने शब्द वापस लेंगे। तो इसको लेके अब क्या करेंगे कांग्रेस, क्या सोल्यूशन है खड़गे जी के पास? क्या अशोक गहलोत के साथ कंटिन्यू करें? चुनाव तो बस एक साल दूर है, क्योंकि उनकी पकड़ तो है पार्टी में लोगों के ऊपर, लेकिन सचिन पायलट की भी का केस भी बहुत स्ट्रांग है, उनको प्रॉमिस किया गया प्रियंका गांधी ने कि उन्होंने और काम भी किया था, ये नहीं कि बिल्कुल जीता जिताया स्टेट में वो आए थे। जब सचिन पायलट ने राजस्थान की कमान संभाली थी तब कांग्रेस स्टेट में हार हुई थी, उन्होंने पार्टी को बिल्डअप किया, बाय इलेक्शन जीते और एंड में अशोक गहलोत साहब आए और उन्होंने जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कंट्रोल करने का स्ट्रैटेजी है, उन्होंने सारे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको उनके कैंडिडेट्स ने अच्छा किया, जिन्होंने नहीं किया उनको रिबेल्स में खड़ा किया इंडिपेंडेंस, और उनके सपोर्ट के साथ सरकार खड़ी है, तो अशोक गहलोत का केस भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब क्या करें कांग्रेस नेतृत्व, अगर वो नहीं बदलेगी तो लगता है कि वो गहलोत साहब के ब्लैकमेल में के सामने कमज़ोर पड़ गई, लेकिन अगर बदलेंगे तो क्या राजस्थान की सरकार गिर पड़ेगी? अगर आप मुझसे पूछे, मेरी जो टेक है वो है कि अगर हाई कमांड को करना है बदलाव सच्चे दिल से तो वो कर सकते हैं। उन्होंने पंजाब में किया था, पंजाब में उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाया और जब MLAs की पसंद थी सुनील जाकर उनको बनाने के सिवाय एक तीसरे आदमी को बनाया। एटलीस्ट सचिन पायलट चन्नी से ज़्यादा पकड़ है उनकी पार्टी में और उनको टाइम चाहिए अब उस पकड़ को मजबूत करने के लिए, क्योंकि चुनाव एक साल दूर हैं। लेकिन वो स्टेप लेंगे तो फिर अशोक गहलोत क्या करेंगे? क्या हाईकमांड उनको कंट्रोल कर पाएगी, या वो पार्टी छोड़ के बीजेपी जा चले जाएंगे या कहीं और, क्योंकि वहाँ पर भी उनके पास ऑप्शन तो हैं, पर कितने MLAs उनके साथ जाएंगे? क्या वो MLAs को कन्विंस कर पाएंगे चुनाव के टाइम के बिल्कुल नज़दीक होने के टाइम पे कि आओ मेरे साथ आओ और हम नई पार्टी शुरू करें? बीजेपी उनको टिकट तो दे सकती है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी इलेक्शंस है, क्या वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? कितने लोग ज्वाइन करेंगे? ये सब कॉम्बिनेशन चल रही हैं कांग्रेस हाईकमांड के दिमाग में, लेकिन फॉर नाउ एक टेम्पररी बैंडेड हो गया है ताकि भारत जोड़ो यात्रा आगे आ चके और दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पे हुए राहुल गांधी के साथ। तो टेम्पररी सोल्यूशन, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, तो देखते रहिए। थैंक यू।